बनाए होंगे और बहुत तरीके से बनाए होंगे, पर एक बार मेरे तरीके से नारियल के पकौड़े बना करके देखिए, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हम एक ताज़ा नारियल लिए हैं, इसे तोड़ के और इसका छिलका हम निकाल दिए हैं, यह बहुत इजीली निकल जाता है चाकू से। अब सबको छोटे छोटे पीसेस में कट कर देंगे। यहाँ सभी नारियल को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए हैं। एक मिक्सी का जार लेंगे, कट किए हुए सभी नारियल को इसमें डाल देंगे। आधी कटोरी मलाई वाला दूध, देखिए मलाई डालने से रेसिपी बहुत अच्छी बन रही है। करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ हमारा नारियल अच्छे से ग्राइंड हो चुका है, देखिए कितना अच्छा सा दूध डाल के इसको हम ग्राइंड कर लिए हैं। एकदम इसका हम फाइन पेस्ट बना लिए थे और इसका पूरा दूध हम अलग कर लिए हैं स्ट्रेनर से छान करके। अब जो ये सिट्ठी बचा है उसको हम गोल गोल बॉल की तरह बनाएंगे। बॉल्स बना करके हम तैयार कर लिए हैं। लेंगे इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच बेसन, 1 छोटी चम्मच नमक, नमक आप अपने स्वाद अनुसार लीजिएगा पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच अजवाइन लेंगे। इसे हाथों पर ऐसे क्रश करके डालेंगे, इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कस्तूरी मेथी इसे भी हाथों से क्रश करके डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना के हम तैयार करेंगे। मुझे एकदम बिल्कुल ऐसे ही बैटर चाहिए, देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। इस पर एक मोटे तल का कढ़ाई रखे हैं, इसमें तेल डाल दिए हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। बैटर में हम बनाए हुए बॉल डालेंगे और बेसन से कोट करके सीधे इसे कढ़ाई में डालेंगे। एक फॉक से इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। सभी बॉल को हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब इसे अलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। कितना अच्छा से सीख चुका, कलर कितना प्यारा आया है। प्लेट में निकाल लेंगे। देख रहे हैं कितना मस्त दिख रहा है। अब इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमारा मजेदार सी नारियल के पकौड़े बनके तैयार हो गए। देख रहे हैं कितना मस्त दिख रहा है, कितना क्रिस्पी बना है। हम आपको तोड़ करके बताते हैं, देख रहे हैं। आप किसी भी चटनी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, बहुत ही मजेदार लगता है। यदि आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वे प्लीज़ सब्सक्राइब करें।